हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस तरह की मैक्सी की कटिंग। तो आप जो है बहुत ही इजीली तरीके से घर पर ही मैक्सी को बना सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल है और ये कॉटन के कपड़े में बनी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है इसको बनाने के लिए। तो हमारा ये फैब्रिक 4 मीटर का, उसको हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और आपके पास कोई भी जो आपकी पुरानी मैक्सी हो, जो आपकी साइज़ की हो, जो आपने रेडीमेड ली हो या ऐसे ही ली हो, हमने उसी को 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा के उसकी नाप डाली है ना। तो बिल्कुल हमने 2-2 इंच साइड से बढ़ा लिया है और नीचे लेंथ से हमने 2-2 इंच बढ़ा लिया है। तो आप इससे बहुत ही ईजिली मैक्सी कटिंग कर सकते हैं। कोई भी मैक्सी आपके पास हो, आप उसकी नाप से ही जो है आप न्यू मैक्सी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने उसी की नाप को रख के इस तरह से कटिंग डाल ली है आरमोल की, और साइड से हमने 2-2 इंच दबाव के लिए कपड़ा ले लिया है, क्योंकि वो सिली सिलाई है और इसे हमें सिल के अभी बनाना है। तो इसलिए हमें साइड से 2-2 इंच और नीचे लेंथ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमने इसे कटिंग कर ली है। तो बस इस तरह से ही आपको कटिंग करनी है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, आप डेफिनेटली मैक्सी बना लेंगे। बहुत ही इजी मेथड में बताया है हमने। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, हमने मैक्सी कटिंग कर ली है और हमने इसमें भी नेक नहीं किया है, नेक में हमने कुछ भी कटिंग नहीं किया। तो हमने अभी इसमें गला नहीं बनाया। और देखिए, हमने नॉर्मल स्लीव, जैसे आप निकालते वैसे हमने नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। जो है आप अपने मेजरमेंट से कर ले। अब हमने ना जो नेक डिज़ाइन है इसका, वो हमने ना बकरम पे बनाया है। तो देखिए, हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और जो है हमने 7 इंच इसकी लंबाई ली हुई है। तो इस तरह से आपको 7 इंच लंबाई लेनी है, 3 इंच चौड़ाई लेनी है, और हमने इसमें ना एक स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन डाला है, जो कि मैक्सी में या फिर कोई नाइटी ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह के ड्रेस में, हमने देखे 4 इंच इस तरह से लेके ऐसे नीचे से इसको इस तरह से मिला दिया है। तो ये स्वीट हार्ट नेक बहुत ही इजी है जो है, और अगर आप सिलाई कर लेते होंगे तो आप ज़रूर बना लेते होंगे इसे। तो ये देखिए, हमने एक बॉक्स बना लिया, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 7 इंच लंबाई का, हमने उसमें एक स्वीट हार्ट नेक का शेप दे दिया। और अब हमने 2.5-2.5 इंच चौड़ाई लेके इसके जो है 2.5-2.5 इंच चौड़ाई हमने इसके अलग से जो बकरम है उस पर हमने जो है 2.5-2.5 इंच चौड़ाई लेके बनाया हुआ है। इस तरह से सेम उसी शेप में हम इसको जो है बना लेंगे। और देखिए, हमने कट कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह का हमने इतना चौड़ा नेक इस तरह से बनाया है बकरम पे। अब हमने इसको जो है कपड़े पे चिपका लिया है। अगर आपकी प्रेस वाली बकरम हो तो आप प्रेस से चिपका लें, पर हमने इसमें स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से देखिए, अब जो हमारा साइड का कपड़ा जो हमने 0.5-0.5 इंच छोड़ा, इसको हम पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ओवरलैप किया है। तो वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरा ओवरलैप कर लिया है। और एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी हमारा था उसको हमने कट कर दिया। अब हमें ना पाइपिंग बनानी, तो यहाँ पे मेरी वीडियो ना थोड़ी सी मतलब गलत हो गई है, क्योंकि जो है मुझे ध्यान नहीं था, मैंने पहले इधर उल्टी साइड पे मैं इसको लगाने लगी, लेकिन ये ना हमें सीधी साइड पे लगानी है पट्टी। तो आप ना, मैंने वीडियो को कट नहीं किया क्योंकि मैंने बताया मैंने सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड पर इस पट्टी को पलट के पाइपिंग लगाई है। इस तरह से उल्टी साइड से नहीं लगाना, आपको सीधी साइड से 1.5 इंच की पट्टी हमने काटी है, सीधी साइड से 1.5 इंच लेके उल्टी साइड पलट के वैसे ही पैपिन बना लेनी। और हमने कुर्ती की ये ना रॉन्ग साइड ली है, यानी उल्टी तरफ रख के अब हमें इसे ऐसे चढ़ाना है, सेंटर से सेंटर आप मिला लें जो है। तो ये हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड पर हमने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने पहले बीच में सेंटर का सेंटर मिला के कच्चा लगाया है, फिर हम वैसे ही जैसे आप नेक जो है बकरम वाले नेक को आप जैसे इस पर जो है स्टिच करते हैं, वैसे ही साइड से इसी शेप में सिलाई लगा के इसको अब हम सीधी तरफ पलटते हैं इसको। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो इस तरह से अभी हमें इसके बिल्कुल इसी शेप में साइड से सिलाई लगानी है। हमने बिल्कुल उसी शेप में साइड से सिलाई लगाई है बकरम में इस तरह से। अब हमने इसे कट कर लिया है, 0.5-0.5 इंच मार्जिन छोड़ के हमें इसे कट करना है। तो आप इसमें 0.25 इंच मार्जिन भी छोड़ दो और फिर इसी में कॉर्नर्स में कट लगा के अच्छे से इसको
सीधी तरफ पलट लेंगे। तो हमने कुर्ती के उल्टी साइड पे लगाया था, अब ये हमारी पलटेगी सीधी साइड पे, ये पूरा बुकरम हमारा पलट जाएगा सीधी साइड पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी साइड पे पलट लिया है, ये देखिए। तो अब ये जो हमारी पैपिन की किनारे किनारे सिलाई थी, इसी पे हम इसको इसी पे बिल्कुल स्टिच कर देंगे, तो ये इसी में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। कंप्लीट है। अब हमें जो है इसके पीछे का जो हमारा बैक नेक है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें भी हमने पैपिन ही लगाई है, तो हमने इस तरह से 1.5 इंच की ये हमारी पट्टी है, और 1.5 इंच की पट्टी को हम डबल फोल्ड में करके लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने डबल किया, और डबल करके इस तरह से हमें स्टिच करनी है और पैपिन की तरह इसे बनाना है। अब देखिए ये जो हमारा जो मार्जिन होता है, इससे हम हल्का सा बस सिलाई ढक के ऐसे बनाते हैं। तो जब हम इस तरह से पैपिन बनाएंगे तो पैपिन हमारी मोटी भी होगी अंदर से, और बहुत ही अच्छी पैपिन बनेगी। तो आपको जो है जो हमारा वो मार्जिन है उसी को अंदर करके हमें इस तरह से पैपिन बनानी है। और हमें बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चलानी है पैपिन के। देखिए हमारा बैक नेक भी कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, और कितनी अच्छी पैपिन हमारी बन के तैयार हुई। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमने आगे और पीछे का पल्ला दोनों मिला के इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। हमारे शोल्डर ज्वाइन हो चुके, अब हमें इसकी साइड स्टिच करनी है। तो देखिए हमारे शोल्डर ज्वाइन हो गए, तो अब हम पहले इसमें स्लीव्स लगाएंगे, फिर हम साइड स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स है जिन्हें हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल कुर्तियों में या ब्लाउज में जैसे भी स्टिच करते हैं ना नॉर्मल स्लीव, ऐसे ही हमें इसे स्टिच करना है। सेंटर पे आस्तीन को सेंटर सेंटर मिला के रखते हैं, और आधा इस साइड पे ज्वाइन कर लेते हैं और आधा उस साइड पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इजी मेथड है स्लीव ज्वाइन करने का। तो देखिए हमारी स्लीव ज्वाइन हो गई, अब हमें ना साइड लगानी है इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव है, इस तरह से नीचे तक इधर साइड्स लगा लेंगे, और हम जो है तो देखिए हमारी मैक्सी बिल्कुल कंप्लीट हो। जो हमारा नीचे का जो बॉटम था उसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला लिए, तो हमारी मैक्सी बन के बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए कितनी अच्छी हमारी मैक्सी तैयार हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।